हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलोन मस्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिससे आप सबको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इलोन मस्क के बारे में फ्रेंड्स, वैसे तो आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है और बहुत सारी कंपनियों को स्टार्ट कर चुके हैं। उन कंपनियों के बारे में भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी कंपनियों को अब तक वो स्टार्ट कर चुके हैं, कंपनियों के नाम, कौन से ईयर में कौन सी कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलोन मस्क के बर्थ के बारे में कि कहाँ उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इलोन मस्क का जो जन्म हुआ था वो साउथ अफ्रीका में 28 जून 1971 को हुआ था। बचपन से ही काफ़ी होशियार थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो 12 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने एक वीडियो गेम को बनाकर $500 में बेच दिया था। एंड इनकी फर्स्ट जो कंपनी थी वो 1995 में इन्होंने फर्स्ट कंपनी अपनी जिप टू स्टार्ट करी थी अपने बाइक साथ मिलके। फ्रेंड्स, जिप टू इलोन मस्क की फर्स्ट कंपनी थी। एंड जो इनके नेक्स्ट कंपनी थी वो X.com थी, जो कि बाद में 2000 में पेपाल में मर्ज हो गई थी। तो ये इलोन मस्क की सेकंड कंपनी थी X.com, जो पेपाल में मर्ज हो गई थी। नेक्स्ट जो कंपनी थी फ्रेंड्स इलोन मस्क की, वो 2002 में इन्होंने SpaceX को स्टार्ट किया था, जो कि एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी है। तो ये भी इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इलोन मस्क का, जो कि अभी ये टेस्ला के बाद जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली कंपनी है SpaceX। तो काफ़ी फेलियर जो है SpaceX में इलोन मस्क को मिले थे। तो एक बार फर्स्ट टाइम इनका जो रॉकेट था वो क्रैश हो गया था, सेकंड टाइम भी ये वो सक्सेस नहीं हो पाया था ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड्स, SpaceX भी जो है इलोन मस्क की बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है। तो SpaceX के बाद जो इन्होंने नेक्स्ट कंपनी जो थी इलोन मस्क की, वो थी आपकी टेस्ला, जो 2004 में इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो आज इनकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली कंपनी टेस्ला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सपना देखा था इलोन मस्क ने, उसी के लिए इन्होंने जो है टेस्ला कार बनाई थी। टेस्ला इनकी टोटली इलेक्ट्रिक कार है। और इसके बाद इनकी जो नेक्स्ट कंपनी थी वो सोलर सिटी थी, जो 2006 में इन्होंने स्टार्ट करी। सो दैट मीन्स सोलर एनर्जी जनरेशन की शुरुआत भी इलोन मस्क ने ही की थी। सो ये इनकी 2006 में इन्होंने स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट इनकी कंपनी हाइपरलूप 2013 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, जो कि अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कंपनी थी। एंड इसके बाद इनकी नेक्स्ट कंपनी ओपन AI 2015 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, जो आजकल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फेमस है। तो इसकी शुरुआत ये 2015 में कर चुके हैं और ये ऑलरेडी बोल भी चुके थे कि AI इज़ फार मोर डेंजरस, और AI काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ह्यूमन लाइफ में लेके आने वाला है। और वैसा ही फ्रेंड्स आप देख भी रहे हो। तो नेक्स्ट कंपनी फ्रेंड जिनकी जो है वो न्यूरालिंक थी, 2016 में इन्होंने न्यूरालिंक की शुरुआत करी थी। न्यूरालिंक के बाद इनकी नेक्स्ट कंपनी फ्रेंड्स द बोरिंग कंपनी थी, जो इन्होंने 2016 में ही स्टार्ट करी थी। और फाइनली फ्रेंड्स 2016 के बाद इन्होंने ट्विटर को 2022 में हाल ही में खरीदा था, और काफ़ी चर्चा में भी ये न्यूज़ रही थी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इलोन मस्क ने अपना 47th बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था? 24 घंटे काम करके इन्होंने अपना 47th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और ये इन्होंने अभी हाल ही में ये अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिले थे, और इन्होंने खुद को Prime Minister Modi ka fan bataya tha. I am a fan of Modi, so I have to say that.
सो फ्रेंड्स, आपने कब इलोन मस्क के बारे में जानना शुरू किया था? कब आपने इलोन मस्क के बारे में पहली बार सुना था? या कौन सी चीज़ आपको इलोन मस्क के बारे में अच्छी लगती है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।